हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागॉजी। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, जो कि बहुत ही क्रूशल हैं अगर आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में ऐसी खाली मन मौजी होकर इस वीडियो को ना देखें, साथ में एक रजिस्टर लेके बैठे, उन क्वेश्चन को नोट डाउन करें और उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें साइड बाय साइड, और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन करूं उसको भी लिखें। और उसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने आप को मेरी पेड लाइव क्लासेस में इनरोल कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आर्टिकल 16 से जुड़ा हुआ। तो सवाल है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन फॉर एन एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ व्हाट। तो आर्टिकल 16 में दोस्तों जो कि बात करता है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके फॉर एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी एम्प्लॉय होने की, और कोई भी भेदभाव, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेजिडेंस। आपको इस क्वेश्चन को आर्टिकल 15 से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि आर्टिकल 15 बात करता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की, वहीं आर्टिकल 16 बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज की इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये पांच ग्राउंड्स दिए गए हैं आर्टिकल 15 में, और आर्टिकल 16 में ये पांच ग्राउंड्स हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4, 5 ओनली, दैट इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सोवरेन। तो सोवरेन का मतलब क्या है? तो दोस्तों, सोवरेन का मतलब यह है कि हमारा देश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम कभी भी किसी और के इन्फ्लुएंस में आके काम नहीं करेंगे, हमारे पास स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस है अपने इंटरनल अफेयर से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए और एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। कोई और कंट्री, कोई और पावर हमें डिक्टेट नहीं करेगी कि हमें क्या करना चाहिए। उसके साथ ही साथ इसका दूसरा मतलब ये भी निकल के आता है कि इंडिया अगर अपनी टेरिटरी का कोई हिस्सा किसी और देश को देना चाहती है तो वो दे सकती है, वहीं अगर इंडिया किसी और देश की कुछ टेरिटरी का हिस्सा अपने में मिलाना चाहती है, एक्वायर करना चाहती है, तो वो ये भी कर सकती है। पर एक बात याद रखिएगा कि अगर इंडिया अपनी टेरिटरी का कुछ हिस्सा किसी और कंट्री को देगी तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होती है। जैसे कि अभी बांग्लादेश को कुछ हिस्सा दिया गया था तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, वो अमेंडमेंट नंबर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। पर अगर इंडिया आज ये डिसाइड करती है कि चाइना को पूरा हम एक्वायर कर लेंगे तो उसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर है दोस्तों फर्स्ट एंड थ्री, ऑप्शन डी। वहीं ये जो सेकंड पॉइंट था दोस्तों कि इंडिया एज एन इलेक्टेड स्टेट इलेक्टेड हेड कॉल द प्रेसिडेंट, तो दोस्तों ये इशारा करता है कि इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, तो इसका सोवरेनिटी से रिलेटेड कोई भी मामला नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रिट्स से रिलेटेड। आप जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पांच तरीके की रिट्स की बात की गई है, हेबियस कॉर्पस, कोवरंटो, मैंडेमस, प्रोहिबिशन एंड सर्शियोरारी। तो एक क्वेश्चन है प्रोहिबिशन और सर्शियोरारी से रिलेटेड। तो पहली स्टेटमेंट है दैट बोथ द रिट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज ओनली। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? ये इसलिए गलत है क्योंकि 1991 में एक रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की जिसमें कहा गया था कि ये जो सर्शियोरारी जो रिट है ये जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल, उसके साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो हैं उनके खिलाफ भी इशू की जा सकती है। तो ये खाली जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज के खिलाफ इशू नहीं की जा सकती सर्शियोरारी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के ऑर्डर्स के अगेंस्ट भी इशू कर सकता है ऑनरेबल कोर्ट। वहीं अगर हम प्रोहिबिशन की बात करते हैं तो प्रोहिबिशन खाली जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज के खिलाफ इशू की जा सकती है, पर सर्शियोरारी दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रखना है। वहीं जब हम प्रोहिबिशन की बात करते हैं तो प्रोहिबिशन जो रिट है दोस्तों वो रोक लगाती है, अगर बाय चांस कोर्ट में किसी केस के ऊपर सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि भाई उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है उस मैटर को सुनने की, तो वो वहीं पर रोक लगा देगा कि भाई आप रुक जाइए, आप इसकी सुनवाई आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। वहीं सर्शियोरारी जो इशू की जा सकती की जाती है वो इसलिए की जाती है कि अगर बाय चांस कोर्ट कोई ऑर्डर इशू कर दे और या फिर कोई जजमेंट पास कर दे, उस ऑर्डर या जजमेंट को क्वाश करने के लिए, उसको निराधार करने के लिए, उसको जीरो करने के लिए
रिट ऑफ सर्च्योरारी इशू की जाती है। प्रोहिबिशन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, उन प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए इशू की जाती है। सर्च्योरारी जब प्रोसीडिंग्स पूरी हो जाती है, कोई ऑर्डर पास कर दिया जाता है, उसको क्वाश करने के लिए इशू की जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन टू ओनली, क्योंकि वन इसलिए गलत हो गया क्योंकि खाली जुडिशियल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज नहीं, रिट ऑफ सर्च्योरारी जो है वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू की जाती है, पर ऑप्शन टू सही है, तो आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट गिवन अंडर आर्टिकल 12। दोस्तों आर्टिकल 12 बताता है कि स्टेट में कौन कौन चीजें इंक्लूडेड होंगी, और इसको बताने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सिबल अगेंस्ट द स्टेट। ऑल्दो कुछ फंडामेंटल राइट्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी इन्फोर्स किए जा सकते हैं, पर मोस्टली द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। तो स्टेट में कौन कौन इंक्लूडेड है, तो दोस्तों स्टेट में ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इंक्लूडेड है, लॉ कमीशन भी इंक्लूडेड है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इंक्लूडेड है, और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूडेड है, LIC, ONGC, ये सारी अथॉरिटीज भी स्टेट के दायरे में आती है, लोकल बॉडीज भी स्टेट के दायरे में आती है। और एक सवाल पूछा जाता है कई बार एंट्रेंस में कि क्या BCCI, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेटेड सारे डिसीजंस लेती है, हमारे देश में जो भी क्रिकेट खेला जाता है वो BCCI की निगरानी में खेला जाता है, तो क्या BCCI स्टेट है? तो दोस्तों एक केस था जी टेलीफिल्म्स का, ये केस आया था जिसमें रूलिंग दी गई बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि BCCI स्टेट नहीं है, तो ये बात आप याद रखिएगा। पर फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि हाँ, ये तीनों तो स्टेट के दायरे में आती हैं और इसके साथ साथ और भी अथॉरिटीज हैं जो कि स्टेट के दायरे में आती हैं, तो आंसर बी, दैट इज 1, 2 and 3 ओनली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, और पूछ रहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों राइट टू इंफॉर्मेशन को फंडामेंटल राइट माना गया है अंडर आर्टिकल 19, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो बात करते हैं आर्टिकल 19, उसके अंतर्गत राइट टू इंफॉर्मेशन को एक फंडामेंटल राइट माना गया है। पर अगर ऑप्शन में दोस्तों 21 भी हो और 19 भी हो, और एक ऑप्शन हो कि बोथ ए एंड बी, मतलब 19 भी और 21 भी, तो आपको ये मार्क करके आना है। पर अगर 21 नहीं दिया गया है, खाली 19 है, तो 19 मार्क करके आना है, ये बात आप याद रखिएगा राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द प्रेजेंट लोकसभा इज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस। दोस्तों सेंसस हर साल कंडक्ट किया जाता है, हर 10 साल में कंडक्ट किया जाता है, और जिससे पॉपुलेशन डिटरमाइन की जाती है किसी भी राज्य की, पूरे देश की। तो दोस्तों आपसे पूछ रहे हैं कि अभी लोकसभा में अलग अलग राज्यों को जो सीट्स दी गई हैं, MP की जो सीट दी गई है अलग अलग स्टेट्स को, जैसे UP को दी गई है, मध्य प्रदेश को, दिल्ली को, तो वो किस सेंसस के आधार पर दी गई है? क्योंकि किसी भी स्टेट को जो लोकसभा में सीट्स दी गई हैं वो उसके पॉपुलेशन के बेसिस पे दी गई है। तो दोस्तों वो किस सेंसस के बेसिस पे दी गई है? वो 1971 के सेंसस के बेसिस पे दी गई है, ये बात आपको याद रखनी है। और लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसको 2026 तक फ्रीज किया गया है, 2026 तक ना ही वो टोटल स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है ना ही घटाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द इंटरिम गवर्नमेंट ड्यूरिंग द 1946 टू 1947। तो दोस्तों इंटरिम गवर्नमेंट, मेन गवर्नमेंट बनने से पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, ये बात याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पंचायत से रिलेटेड कि अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो उसके इलेक्शन कितने समय के अंदर अंदर करवाने अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं? तो दोस्तों 6 महीने के अंदर अंदर, अगर आज पंचायत डिसॉल्व की गई है किसी गांव की, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसके चुनाव फिर से कंडक्ट कराने पड़ेंगे, तो ये बात आप याद रखिएगा। पसीना इतना आ रहा है वीडियो बनाते हुए क्योंकि पंखा चला नहीं सकते हैं, तो पूरा पसीने में भीग चुका हूं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दोस्तों ये स्टेटमेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड इन द यूनियन। तो पहली स्टेटमेंट है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं एट यूनियन लेवल वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं खाली लोकसभा के टूवर्ड्स। आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको बात पता लग जाएगी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं एट द यूनियन लेवल वो खाली लोकसभा के टूवर्ड्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि राज्यसभा के टूवर्ड्स। तो पहली स्टेटमेंट तो हो जाती है गलत। दूसरी बात दोस्तों ये है कि क्या द मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी द मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? तो हाँ,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्रधानमंत्री जो है वो चाहे सदस्य लोकसभा के हों या फिर राज्यसभा के हों, किसी भी इंसान को मिनिस्टर बना सकते हैं। तो राज्यसभा से भी अगर कोई एमपी है तो उसको भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल किया जा सकता है। पर बात ये याद रखिएगा कि अगर कोई राज्यसभा का मेंबर है और जिसको मिनिस्टर बनाया गया है तो उसके पास वोटिंग राइट्स खाली राज्यसभा में ही होंगे जिस हाउस को वो बिलोंग करता है। तो ऑप्शन टू है सही, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन टू ओनली। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया नेवर अटेंडेड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो दोस्तों पूछ रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी अपने कार्यकाल के दौरान पार्लियामेंट अटेंड नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों वो थे चौधरी चरण सिंह, क्योंकि इससे पहले कि वो अपना पार्लियामेंट को अटेंड कर पाते, उससे पहले ही जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी जिन्होंने उनको समर्थन दिया हुआ था, कांग्रेस की पार्टी ने, उन्होंने वो समर्थन वापस ले लिया था उनकी सरकार से, जिसकी वजह से चौधरी चरण सिंह की जो सरकार थी वो गिर गई थी और वो अपने कार्यकाल के दौरान पार्लियामेंट अटेंड नहीं कर पाए थे। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, द पॉलिटिकल पार्टीज गॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। तो दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन पहली बार मिला था इन द ईयर 1985। ये बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो आपसे पूछ रहे कि उस कमिटी के कौन कौन लोग सदस्य होते हैं जो कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करती है। तो दोस्तों जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करती है कमिटी, उसके मेंबर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी मेंबर होते हैं उसके, वो कैबिनेट मिनिस्टर जिसको प्रधानमंत्री नॉमिनेट करते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर भी इस कमिटी के मेंबर होते हैं, और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं लोकसभा में वो भी इस कमिटी के मेंबर होते हैं। जो कमिटी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो कि आईटीआई से रिलेटेड सारे मुद्दों को देखते हैं, उनके अपॉइंटमेंट के लिए ये तीनों लोग उस कमिटी के सदस्य मेंबर होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 1, 3 and 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू। तो दोस्तों सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अपनी पूरे साल की जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसको सबमिट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और दोस्तों अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस अपलोड करता रहूं स्टैटिक जीके, लॉ रिलेटेड, इंडियन पॉलिटी रिलेटेड, तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।